सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस 5 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है शिबा इनू होल्डर्स की। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो मेरे सब्सक्राइबरों की, नहीं गाइस, शिबा इनू होल्डर की 5 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सभी का जिसने भी शिबा इनू पे ट्रस्ट किया और होल्ड किया। अगर आपने भी बाय किया हुआ है और होल्ड किया हुआ तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू यार। और जो सोल्ड कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो थोड़े टाइम बाद बताएंगे, क्योंकि थोड़े टाइम बाद इसका जो ग्राफ है प्राइस का वो अप होने वाला है, और क्यों होने वाला वो आपको पता है, और इस वीडियो में भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइज एक ज़रूरी सूचना, मैं वैसे यार वीडियो में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें इसको। तो चलिए अपने अपडेट्स के बारे में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो थाईलैंड की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर कोइनडेस्क की हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। कोइनडेस्क की वेबसाइट पे एक्चुअली में हुआ क्या, जो थाईलैंड है, थाईलैंड ने अपने वहाँ पर मेम कोइन, जितने भी मेम कोइन जैसे डोज कोइन हो गया, शिबा इनू कोइन हो गया, इन कोइन्स को वहाँ पर बैन कर दिया है। आप साफ साफ देख सकते हैं, नो डोज अलाउड, थाई सेक बैन मेम फैन एंड एक्सचेंज टोकन्स एज वेल एज NFTs। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने बैन कर दिया है, क्योंकि अलग अलग देश का अलग अलग रूल है, तो हो सकता है वो थोड़े टाइम बाद इस बैन को हटा दें, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने मेम कोइन, स्पेशली मेम कोइन का अपने वहाँ पर बैन कर दिया है। तो इससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मेम कोइन के ऊपर, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बारे में भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार मैंने मार्केट के हाल ओवरऑल बता देता हूँ। यहाँ पर पेज को मैं कर लेता हूँ रिफ़्रेश, और मार्केट का अगर मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो आज पूरा दिन में अभी सिर्फ 0.50% मार्केट डिक्रीज़ पे रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले जब मैं देख रहा था तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट पे था, मतलब बहुत ज़्यादा से मतलब मेरा +4 से +6% इंक्रीमेंट चल रहा था पूरे मार्केट में ओवरऑल, लेकिन अभी 0.50 का डिक्रीमेंट हो चुका है। तो उसके कारण अभी देखिए बिटकॉइन यहाँ पर 1% से इंक्रीमेंट पर, अभी इथेरियम हमारा 2% से माइनस में चला गया, इस तरह ही USDT प्लस में है 0.9% के साथ, और BNB भी देख सकते हैं यहाँ पर, डोज कॉइन को भी आप देख सकते हैं माइनस में है 0.75%। तो चलिए अपने शिबा इनू कोइन को करते एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको पेज को भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे के बीच में 2.80% अभी दिखा रहा है, और जब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तो ये +4% पे था, यहाँ पर +3.90% पे ये चल रहा था, ये अप एंड डाउन चलता रहता है, क्योंकि ये जैसे जैसे बाय करेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा अप चला जाएगा, और जैसे सेल करने लग जाएंगे तो यहाँ से डाउन चलने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं हम यहाँ पर मार्केट कैप की, वॉल्यूम की बात की जाए, तो देखिए गाइज मार्केट कैप इसका 3% से अप है, लेकिन वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच में -43% गिरावट देखने को मिली है। मैं थोड़ा नीचे करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये देखिए गाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच में -43% की गिरावट हमें को देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है भाई, लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं इसका, हो सकता है क्योंकि कल मैंने दिखाया था जब इसका प्राइस डाउन पे था तब यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लस के 70% 68% से उठ चुका था, लेकिन अब प्राइस हो सकता है आज जैसे अभी 3.24% से अप हो चुका है अभी प्राइस, ये देखिए यहाँ पर अभी 2 point something था, अब 3.44 हो चुका है। तो हो सकता है प्राइस हाई होने के कारण अभी लोग परचेज करना बंद कर दिए, वो सोच रहे जब थोड़ा प्राइस लो होगा फिर से परचेज करेंगे, तो इसलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो यहाँ पर ओवरऑल प्राइस का ग्राफ अप है। ट्रेडिंग व्यू की मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ग्राफ की, और जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ नहीं देखना आता है, जो मुझे कमेंट करते थे और जिनको नहीं देखना आता, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है रिगार्डिंग ट्रेडिंग व्यू के ग्राफ के ऊपर, तो आप जाकर मेरे इस चैनल पर देख सकते हो। तो मैं लास्ट के एक घंटे का ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ निकालता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रेडिंग व्यू के ग्राफ में काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक सपोर्ट मिली थी, और उस सपोर्ट के साथ काफ़ी ऊपर की तरफ बूम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा डाउन आया यहाँ पर, फिर एक सपोर्ट मिली, फिर ऊपर की तरफ गए और फिर डाउन आया, अब फिर यहाँ से एक और सपोर्ट बननी स्टार्ट हुई है इसके लिए। तो जिनको नहीं देखना आता ट्रेडिंग व्यू ग्राफ, वो मैंने समझाया हो भाई किस तरह से क्या क्या वर्क करता है, ठीक है, तो वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब लगे हम बात कर लेते हैं रॉबिनहुड पिटीशन के बारे में। तो गाइज रॉबिनहुड पे पिटीशन पे आपको तो पता था 1.5 लाख सिग्नेचर की जरूरत है, जिसमें से 1,31,000 कंप्लीट हो चुके हैं 1.5 लाख के बीच में से।
यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी ही ये मानना जा रहा है भाई 2 या 3 दिन में जल्दी ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद पता लग जाएगा भाई रॉबिन हुड इसको लिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर लिस्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेगा तो फिर वो कारण बताएगा भाई क्यों नहीं लिस्ट करेगा। बाकी अभी तक जितने भी हमने मेल किए उनको रॉबिन हुड को, उनमें मेल में ऐसा ही लिखा आया भाई, हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला हम शिवबेनी को लिस्ट नहीं करेंगे, जस्ट कहता हमें पहले सोचने का टाइम है, हम पहले उसको एनालाइज करते हैं, कोई भी हमारा कॉइन हो टोकन हो उसको पहले एनालाइज करते हैं और फिर जाके हम लिस्टिंग करते हैं उसकी। और इसी तरह से शिबा स्वैप की अगर बात की जाए तो शिबा स्वैप अभी यहाँ पर भी देख सकते हो अंडरगो सिक्योरिटी के सिक्योरिटी टेस्ट से अभी गुजर रहा है ऑडिट्स और फाइनल अपडेट में। तो अभी शिबा स्वैप को टाइम लगेगा लॉन्च होने के बीच में, हालांकि टेस्टिंग में अभी आ चुका है, वहाँ पर आपको काफ़ी खबरें मिली होंगी, लास्ट वीडियो में मैंने डाली है टेस्टिंग की, उसकी जो वायरल वीडियो हुई थी वो भी मैंने डाली है, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज आज का मार्केट का हाल यही कुछ था, बस इसमें एक बैड न्यूज़ हमें यही सुनने को मिलती भाई, जो थाईलैंड है थाईलैंड ने मेम कॉइन को बैन कर दिया, अब ये नहीं पता वो बैन कब तक है और स्पेशली मेम कॉइन को किया है, और कोई रीज़न अभी तक नहीं दिया भाई क्यों किया है, कारण क्या है इसके पीछे, लेकिन कोई रीज़न नहीं दिया, बस अभी सीधा इन्होंने एक न्यूज़ डाली भाई हमने मेम कॉइन को बैन कर दिया है थाईलैंड के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है भाई ये बैन ही रहेगा, जैसे जैसे अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, शिबा इनू की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर, डोज कॉइन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी यहाँ पर, और भी मेम्स कॉइन है तो ये बैन को हटा सकते हैं ये, अभी कुछ टाइम के लिए इन्होंने बैन को लगा दिया होगा इसलिए। तो गाइस एक बार फिर से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करनी है वो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दे लाइक।